हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से बिगिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ रेगुलर 60 डिग्री ग्लास प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू फॉर अ गिवन वेवलेंथ। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम एंड वॉट एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ दिस वेवलेंथ फॉल ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म सो एज टू गेट अ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, वैल्यूज दी है, साइन 30 इजिकल्स टू 1/2, साइन 45 इजिकल्स टू 1/√2। अरे ये वैल्यू तो सभी को पता होती भाई। ठीक है, क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इनफैक्ट 9th में ही आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार्ट करते हैं। अवर क्वेश्चन नंबर 6 पे फर्स्ट पार्ट में पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। ए इजिकल्स टू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, और n की वैल्यू कितना दिया है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। n कितना दिया है, रूट टू दिया हुआ है, और हमसे डेल्टा m पूछा हुआ है। हमसे क्या पूछा हुआ है, डेल्टा m पूछा हुआ है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, n को वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। n इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, n इजिकल्स टू साइन ए प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा m बाई टू अपॉन कितना हो गया, साइन ए बाय टू हो गया। वैल्यू फटाफट पुट करते हैं, n इजिकल्स टू अंडर रूट टू, यहाँ पे साइन ए हमारे पास कितना है, 60, डेल्टा एम वी हैव टू फाइंड, एज इट इज छोड़ देंगे, अपॉन टू अपॉन साइन ए बाय टू करेंगे, साइन 60 बाय टू कितना हो जाएगा, कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू दी है 1/2, तो टू न्यूमरेटर के साथ जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू, और यहाँ पे टू ऊपर आ जाएगा टू, और ये हो गया साइन 60 प्लस ये कितना हो गया, डेल्टा एम अपॉन टू। ठीक है, अब टू को हम क्या करेंगे, नीचे लेके चले आएंगे, टू नीचे आएगा, रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा कर देता हूँ, रूट टू अपॉन टू इजिकल्स टू कितना हो गया ये, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय टू, रूट टू से यहाँ रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो टू को रूट टू लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/√2 इजिकल्स टू साइन, ये हो गया 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन का टू। अब 1/√2 भी हमें गिवन है, 1/√2 भी हमें गिवन है, कितना गिवन है, साइन 45 डिग्री, तो 1/√2 की जगह हम लिख लेते हैं साइन 45, तो ये हो गया हमारे पास साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना, ये हो गया साइन, है ना, ये हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 45 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस का डेल्टा एम अपॉन टू, टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 90, और ये हो गया हमारे पास 60 प्लस का डेल्टा एम। अब यहां से हमारे ये जो डेल्टा एम है आ चुका है, कितना हो जाएगा, डेल्टा एम इजिकल्स टू 90 माइनस 60, तो डेल्टा एम इजिकल्स टू कितना हो गया, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, कितना इजी था, डेल्टा एम हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। मैंने मिनिमम डेविएशन के एक केस में फॉर्मूला दिया था या रिजल्ट दिया था, डेल्टा एम इजिकल्स टू 2i-a दिया था, है ना। देखो प्रिज्म एंगल गिवन है ए, डेल्टा एम हमने फाइंड किया है, i निकालना कितना आसान है, तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा, डेल्टा एम इजिकल्स टू 30, 2i फाइंड करना है, a हमारे पास कितना है 60 डिग्री, तो a हो गया 60 डिग्री, 60 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो गया 2i, यहाँ से i कैलकुलेट हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो गया 45 डिग्री, i इक्वल्स टू कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले इसको तो इरेज कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7th, क्वेश्चन नंबर 7th है, रीड कर दे रहा हूँ। व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सो दैट अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री सफर्स मिनिमम डेविएशन। देखो मिनिमम डेविएशन का केस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, डेटा क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7, पहले उसको नोट करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म, यानी ए पूछा हुआ है ना, रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी प्रिज्म एंगल ए पूछा हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 दिया है। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई हमें बता दिया है 50 डिग्री, बता दिया आई हमें कितना बता दिया, 50 डिग्री हमें यहाँ
बता दिया, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, क्योंकि आई पता है, एन पता है, तो हम यहाँ पे स्नेल लॉ यूज कर सकते हैं। क्या होता है स्नेल लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल्स टू एन। यहाँ पे आई की वैल्यू 50 डिग्री दी है, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन आई, आई हमारा कितना है 50 डिग्री, अपॉन ये हो गया हमारे पास साइन आर, एन कितना है 1.5 है, आर निकालना है, 1.5 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 50 डिग्री अपॉन नीचे आ गया 1.5, ये हो गया हमारे पास साइन आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साइन 50 की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो साइन 50 की वैल्यू रखेंगे, ये आएगा 7660, कितना आएगा 7660 डिवाइडेड बाय 1.5 इजिकल्स टू साइन आर, ठीक है। कितना आ गया साइन आर। अब इसको जैसे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा 0.51 मिलेगा, और ये हो गया साइन आर, ठीक है। अब 0.51 आ रहा है तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आर हमारा क्या हो जाएगा, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स हो गया, कितना हो गया ये 0.51। 0.51 साइन में हमारी किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी 30.67 की, ठीक है। किसकी वैल्यू होती है ये 30.67 डिग्री की। तो यहां से हमें आर मिल चुका है, ठीक है। क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, आर कैलकुलेट कर लिया। अच्छा यहाँ पे बोला है मिनिमम डेविएशन, सफर्स मिनिमम डेविएशन। क्या बोला हुआ यहाँ पे, हमें बोला है मिनिमम डेविएशन, यानी ये जो केस दिया है वो किसका दिया है, मिनिमम डेविएशन का दिया है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में मैंने बताया था कि जो आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है ए बाय टू। आर हमने इसीलिए कैलकुलेट किया जिससे हम आर इजिकल्स टू ए बाय टू यूज कर सके। तो यहां से अगर ए कैलकुलेट करेंगे, ए इजिकल्स टू हो जाएगा 2 इंटू आर, ठीक है। तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 30.67, 30.67। तो यहां से ए जो आएगा हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30.67 कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 61.34 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो इसमें जितनी भी मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ, जितनी भी वैल्यूज निकाल रहा हूँ, तो उसमें डेसिमल डिजिट के बाद या थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर एक्यूरेट हम कैसे रख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो तो डेसिमल में होता है, तो टेबल से देखेंगे अलग आएगा, कैलकुलेटर में कई डिजिट तक बताएगा, हो सकता है राउंड ऑफ करके रखा गया हो, तो इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये ना हमारा क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8th की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8th हमारा दिया है, मार्कर को तो जरूर गिरना रहता। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द एंगल ऑफ अ ग्लास प्रिज्म इज 59.5 डिग्री, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 38.5। विदाउट यूजिंग द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट सफरिंग मिनिमम डेविएशन, ठीक है। विदाउट यूजिंग द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ए दिया हुआ है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया है, ए, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, ए की वैल्यू दी है 59.5 दिया है। क्या दिया है, 59.5 डिग्री दिया है, ये हो गया ए की वैल्यू। डेल्टा एम हमें कितना दिया है, हमें डेल्टा एम जो कैलकुलेट दिया है, डेल्टा एम दिया 38.5 दिया है, कितना दिया है 38.5 डिग्री दिया है, ये डेल्टा एम हो चुका है। हमसे आई को पूछा गया, हमसे क्या पूछा है, आई हमसे पूछा है, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे आई इजिकल्स टू यूज करने वाले हैं, ए प्लस डेल्टा एम बाय आई इजिकल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाय टू यूज करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, ए, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 59.5 प्लस डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम है 38.5 अपॉन 2, इसको प्लस करेंगे 59.85 और 38.5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98.0 अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास आ जाएगा, और वो आएगा 49 डिग्री, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कितना आसान था, फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, बार बार कहता हूं कि फॉर्मूले जितने अच्छे से याद होंगे उतना आसानी से हम इसके न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। देखो 8th क्वेश्चन में बोला था डोंट यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने कहा यूज किया, सिंपल आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाय टू मैंने क्या कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। इसको यूज कहां से किया है, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था, हमें करना क्या था, मैंने ये देखो रिजल्ट सारे मैंने इसीलिए पहले लिख दिए हैं, डेल्टा एम इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 2i माइनस ए, इससे मैंने ये कैलकुलेट किया है,
अब यहाँ आई निकालेंगे तो डेल्टा एन प्लस ए अपॉन टू आई इक्वल्स टू, है ना। इस रिजल्ट को यूज करके निकाल दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज नहीं किया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर एट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, कोई रेस कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं अपना। नाइन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो न्यूटन में जो है जितनी भी एक्सरसाइजेस दी हैं उसमें कुछ एक क्वेश्चन, जो पूरी एक्सरसाइज में मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है तो 20 में 3 या 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारा, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। बोला हुआ है अ ग्लास प्रिज्म हुज रिफ्रैक्टिव एंगल इज 72 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66 इज केप्ट इन अ लिक्विड ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द पैरेलल बीम पासिंग थ्रू द प्रिज्म। इसके बाद कुछ डेटा गिवन है, साइन 36 इज इक्वल टू 0.5878 एंड साइन 47.2 डिग्री इज इक्वल टू 0.7336 दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया। सबसे पहले तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है मिनिमम डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। और प्रिज्म को जो है, प्रिज्म को हमने रखा है किसमें, लिक्विड में रखा है। ठीक है, तो इसमें जो किया है, इसमें जो प्रिज्म था हमारा, प्रिज्म इज कैप्ट इन लिक्विड, कैप्ट इन लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम जनरली जो गिवन होता था वो यूज कर लेते थे, वो नहीं करेंगे क्योंकि प्रिज्म को लिक्विड में रख दिया गया है। ठीक है, प्रिज्म को लिक्विड में रख दिया गया, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होगी LNG। ठीक है, क्या करना, LNG, LNG की मीनिंग मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कई बार बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आएगा हमारे पास NG अपॉन NL से, किससे आएगा, NG अपॉन NL से। तो कैलकुलेट करते हैं, NG हमारे पास है 1.66, NL हमारे पास है 1.33 है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.248 आएगा। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपली प्रिज्म को लिक्विड में रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा चेंज, क्या होगा, एनजी अपॉन एनएल इक्वल्स टू 1.6। ये तो डेटा रख के मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमें एलएनजी मिल चुका है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में डेल्टा एम को पूछा है, तो डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एलएनजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए बाय टू, वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ए भी हमें गिवेन है, एंगल ए कितना दिया है, 72 डिग्री दिया है, तो ये भी मालूम है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी पता है, ए भी पता है, डेल्टा एम आ जाएगा, वैल्यू रख लेते हैं। एल एन जी कितना है हमारे पास, 1.248 कितना दिया है ये हमारे पास, ये दिया है साइन ए की वैल्यू है 72 डिग्री प्लस ये हो गया डेल्टा एम अपॉन का 2 अपॉन 72 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 36, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये हो गया साइन 36, साइन 36 को इधर लेके जाएंगे 1.248 इंटू कितना हो गया, साइन 36 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया ये, साइन 72 डिग्री प्लस का डेल्टा एम। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, साइन 36 की वैल्यू रखनी होगी, साइन 36 की वैल्यू 1.248 इंटू साइन 36, साइन 36 है हमारे पास जो है वो गिवन है 0.5878 वैल्यू दी है, और ये हो गया साइन 72 डिग्री प्लस का डेल्टा एम। ठीक है, ये हो चुका है, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 0.7336। ठीक है, और ये तो पॉजिटिव रहेगा इस साइड, है ना, ये हो जाएगा साइन, ठीक है, कितना हो जाएगा साइन 72, साइन बोलो 72 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, यहाँ पे अपॉन 2 मिस हो गया मुझसे, अपॉन 2। ठीक है, तो 2 हो गया, अब ये वैल्यू देखनी होगी कि साइन में किसकी होती है। ठीक है, ये वैल्यू हमें देखनी होगी साइन में किसकी होती है, और ये भी वैल्यू हमें गिवन है, ये भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, साइन 47 डिग्री पॉइंट 2 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया 72 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2,
साइन साइन खत्म हो जाएगा और ये 247.2 से मल्टीप्लाई होगा, 0.2 इंटू 2 इजिकल्स टू 72 डिग्री प्लस का डेल्टा एम। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 94.4 इजिकल्स टू 72 डिग्री प्लस डेल्टा एम। इस टर्म को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और ये 94, 4 में से हो गया 2, 22.4 कितना हो गया 22.4 डिग्री डेल्टा एम। तो ये हमारे पास आ चुका है, डेल्टा एम हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इसमें नया क्या था, नया ये था कि प्रिज्म को लिक्विड में रखा है। ठीक है, तो लिक्विड में रखा है तो यहाँ पे जो हम ग्लास का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंगे वो लिक्विड के रिस्पेक्ट में लेंगे। पढ़ते ही एलएनजी को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल कैलकुलेट करते हैं। जो यहाँ पे पहले लिखा है वो न्यूमरेटर में, जो बाद में है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये एल है। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। ठीक, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, 10th भी एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करेंगे रीड। ठीक है, क्या करना है हमें, सबसे पहले करना है क्वेश्चन को रीड। तो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ 60 डिग्री प्रिज्म बाय रोटेटिंग द प्रिज्म द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर देन व्हाट वुड बी द न्यू मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। देखो, प्रिज्म को सेकंड पार्ट में जो बोला है, प्रिज्म को लिक्विड में रखा गया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं फाइंड द, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले बताना है और उसके बाद हमें बताना न्यू मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 10 वैल्यू जो दी है उसको लिख लेते हैं, यानी एंगल ए हमारे पास कितना दिया है, एंगल ए गिवन है हमारे पास 60 डिग्री, और डेल्टा एम हमारे पास कितना दिया है, डेल्टा एम हमारे पास गिवन है 40 डिग्री, और ए एन जी बताना है। ठीक है, ए एन जी, ठीक है, ए एन जी मतलब वही रिफ्रैक्टिव, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, और ए एन डब्ल्यू जो दिया है वो हमें दिया है 1.33, ये डॉट 1.33 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे ए एन जी के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए एन जी, ए एन जी इक्वल्स टू फॉर्मूला वही अपना पुराना, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए बाय टू, ए एन जी हमें कैलकुलेट करना है साइन ए। साइन कितना दिया है बोलो, यहाँ पे है साइन ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू 60 प्लस डेल्टा एम कितना दिया है 40 डिग्री। ठीक है, अपॉन का 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बाय टू, ए कितना है 60 तो ये हो गया 30, फिर साइन 30 आ रहा है, साइन 30 की वैल्यू 2 होती है, 2 जाएगा न्यूमरेटर में, ये हो गया 2 साइन 60 40 100 बाय 2 कितना हो गया 50 डिग्री। तो ये आया ए एन जी 2 साइन 50 डिग्री। अब हमें क्या करना होगा, सीधे साइन 50 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी, क्या करना होगा, साइन 50 की वैल्यू पुट करनी होगी और यहाँ से हमें ए एन जी मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 50, साइन 50 की वैल्यू होगी 0.766, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 1.53। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या बोला, इसके बाद प्रिज्म को रखा है लिक्विड में, प्रिज्म को क्या किया है, रखा है लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, लिक्विड में, वाटर में रखा हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको यूज नहीं करना है, जब वाटर में इसको रखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू एन जी, अभी मैंने बताया था जो यहाँ पे लिखा होगा वो न्यूमरेटर में आता है, तो ये हो जाएगा ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू हो जाएगा। ए एन जी हमने कैलकुलेट किया है 1.53 और ए एन डब्ल्यू कितना दिया है 1.33 दिया है, कितना दिया है 1.33 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है,
इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एन जी हमारे पास कितना आ गया, डब्ल्यू एन जी हमारे पास 1.15, ठीक है। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ चुका है, ठीक है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में यूज, ठीक है। तो देखते हैं डब्ल्यू एन जी इक्वल्स टू फॉर्मूला वही साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए बाय टू। डब्ल्यू एन जी कैलकुलेट है हमारे पास है 1.15 इक्वल्स टू साइन प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल जो है वो हमारा क्या होगा, वो चेंज नहीं होना है, वो हमारे पास रही रहेगा 60 डिग्री। डेल्टा एम हमें फाइंड करना है, डेल्टा एम बाय टू अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, टू ऊपर जाएगा, ये हो गया 1.15 इक्वल्स टू टू, ये हो गया साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाय टू, टू से इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो टू से इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो आंसर आएगा 0.575 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय टू, ठीक है। अब ये देखना होगा कि साइन में वैल्यू ये होती किसकी है, ये वैल्यू होती है साइन 35 की, किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है साइन 35 की, तो ये हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय टू, साइन साइन कट जाएगा, ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 60 प्लस डेल्टा एम, मीन डेल्टा एम इक्वल्स टू कितना हो गया 10 डिग्री, ठीक है, आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोग को, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया था डेल्टा, पहले हमें निकालना था सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल निकाल लिया, इसके बाद प्रिज्म को वाटर में रखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करके मैंने क्या निकाला यहाँ पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, जल्दी से इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने बोला है, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ सबसे पहले, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 50 डिग्री ऑन 60 डिग्री प्रिज्म सफर्स मिनिमम डेविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, अब मैं फटाफट इसको कर रहा हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री दिया है, और ए हमें कितना बताया है, ए हमको बताया है 60 डिग्री, और हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एम को कैलकुलेट करना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना है, आई पता है ए पता है, आई पता है और ए पता है, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन का केस है, किसका केस है ये, मिनिमम डेविएशन का, ठीक है, केस किसका है, मिनिमम डेविएशन का। तो मिनिमम डेविएशन के केस में मैंने बता रखा है डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या होता है 2i - a होता है, तो सिंपल 2i की वैल्यू है 50, a की वैल्यू है 60 डिग्री, ये हो गया 100 - 60 डिग्री, तो यहां से डेल्टा एम हमें मिल चुका है जो कि आ चुका है 40 डिग्री, ठीक है। देखो कितना आसान था, हमने कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा एम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या यूज करेंगे, एन इजिकल्स टू क्या यूज होगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन ये कितना हो जाएगा, साइन ए बाय टू हो जाएगा, वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, यानी एन इजिकल्स टू साइन, ठीक है, साइन ए, ए कितना है हमारे पास 60 डिग्री, और प्लस डेल्टा एम हमने कितना निकाला है 40 डिग्री, डेल्टा एम हमने कितना निकाला है 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2, ए कितना है 60, यानी बाय 2 करेंगे 30, साइन 30 की वैल्यू 2, 2 ऊपर जाएगा, एन इजिकल्स टू 2, ये हो गया साइन 100 बाय 2, यानी 2 साइन कितना हो गया 50 डिग्री, एन इजिकल्स टू 2 इंटू साइन 50, साइन 50 की वैल्यू रखना है, साइन 50 की वैल्यू होती है 0.766, और यहां से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा एन इजिकल्स टू 1.532 सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या था ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट कर लिया है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं तो हम 12th क्वेश्चन से बिगिन करेंगे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।